आज हम कमिश्नर साहब को मिलने गए थे, हमारा शिष्टमंडल गया था, तो हम इसलिए आक्रोश गए थे कि जिला स्तरीय अधिकारियों को हमने शहर के विकास संबंधी जो जितने भी जो कार्य हैं उनको उनका आज तक संपादन नहीं हो पाया है, उनको न उनके निराकरण हो पाया, चाहे वो कूड़ा निस्तारण हो या मतलब ये है कि सफाई व्यवस्था हो यहाँ पे, या जेल बगीचे में जो है निर्माणाधीन जिला कार्यालय का प्रशासनिक भवन हो, बस स्टेशन में लंबित नया बस अड्डा बनने के संबंध में, और राष्ट्रीय राजमार्ग में जो अतिक्रमण है और उसको पैडल से लेकर श्रीनगर तक मतलब कि उसका भी विस्तारीकरण की कोई योजना इनकी आई है, बार बार हम हमारे अनुरोध कर ना ही मतलब है कि ये शहर क्षेत्र के अंदर का जितने भी मतलब यहाँ पे इसके वजह से बंद पड़े उनके निर्माण का कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि मंच द्वारा बार बार मतलब अनुरोध किया गया। यहाँ पे मंडल मुख्यालय में जब कोई गणतंत्र दिवस है, कोई बड़ा कार्य, तभी लोग आते हैं। निश्चित रूप से पौड़ी की जनता और पूरे उत्तराखंड के लोग, गढ़वाल मंडल के लोग इस बात से दुखी हैं कि यहाँ पे मंडलीय अधिकारी नहीं रहते, और अगर हमारी वार्ता होगी अभी, अगर कल भी हमारा मौका मिलेगा तो हम माननीय मंत्री जी से इस बात को कहेंगे, जिला प्रभारी मंत्री जी से, कि यहाँ पे मंडल मुख्यालय पे मंडल अधिकारियों को बैठाने का काम करें। नागरिक कल्याण मंच ने एक ज्ञापन दिया है आपको, जिसमें कुछ जनपद स्तर के अधिकारियों की शिकायत की गई है कि वो काफी लंबे समय से उनको जो समस्याएं बताई गई थी उनका समाधान नहीं कर रहे हैं, आपसे अपेक्षा की गई है कि आप उन्हें निर्देशित करेंगे। इसमें मेरे पास कल एक ज्ञापन आया है और इसमें कई विभागों से संबंधित मामले हैं जो काफी समय से पेंडिंग है, तो इसमें खास करके जैसे साफ सफाई को लेकर है, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मामले हैं, कुछ और जो सड़क वड़क की मांग को लेकर है, तो इस तरह के इश्यूज को कल मैंने संज्ञान में लिया है, क्योंकि कल ही मेरे मामला मेरे संज्ञान में आया है। इससे संबंधित जो अधिकारीगण है उसको मैं अलग से इंडिविजुअल केसेस में मैं पत्र लिख रहा हूँ, और इसमें एक बार जो स्थिति का संज्ञान लेने के पश्चात इसमें जो भी कमी है या जो भी इसमें समस्या आ रही है उसको संबंधित विभाग के साथ में बैठकर उसका समाधान किया जाए। आपसे उम्मीद की जा रही थी सर कि काफी समय पौड़ी में व्यतीत करेंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों? एक्चुअली देखिए, इसमें थोड़ा सा विंटर्स में समस्या रहती है कि बहुत सारे अधिकारीगण यहाँ पर छुट्टियों में छुट्टी पे रहते हैं, और चूंकि जो न्यायालय भी है, न्यायालय भी यहाँ पर बंद रहता है बिकॉज ऑफ विंटर वेकेशन, बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं अवेलेबल नहीं होते, तो अभी कल क्योंकि न्यायालय भी हम लोग रख रहे हैं इसमें, और अब तो यहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे होगा, तो विंटर्स में थोड़ा सा सप्ताह दो सप्ताह में समस्या रहती है।